नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। दोस्तों, यारसा गुम्बा मैं आज ढूंढने का प्रयास करूंगा। हालांकि यहां पर हमारे बहुत सारे आयुर्वेदिक वैद्य भी आए हुए जो यारसा गुम्बा ढूंढने के लिए, एक आपको दिखाने के लिए हम छोटा सा एक प्रयास करेंगे। आइए जरा दिखाते हैं यारसा गुम्बा। दोस्तों, इसी तरह के इस एरिया में मिलता है। देखिए जरा ये जो पहाड़ है, यहाँ पर माइनस यहाँ के जो टेम्परेचर है फिलहाल बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर। अब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि कितना है यहाँ का टेम्परेचर, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर और ठंड के मारे पूरा शरीर। दोस्तों, ये जो यारसा गुम्बा है ना, वो इसी तरह से यहाँ पर निकला हुआ मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं यारसा गुम्बा ढूंढने के लिए। हालांकि अब गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाया है कुछ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आकर के, बाहर से भी लोग आकर के इसमें से यारसा गुम्बा ढूंढ करके लेके चले जाते हैं। प्रयास करेंगे कुछ मिले, लेकिन काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ मिलेगा। प्रयास करेंगे, मिल जाए तो देखते हैं। दोस्तों, यहाँ से ऊपर दोस्तों चाइना का बॉर्डर है और बाकी लड़के तो आगे पहुँच गए, लेकिन मैं आपको यारसा गुम्बा के जो क्वालिटी है उसकी जो खासियत क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये एक अभी कुछ सालों से इसको ढूंढा गया है यारसा गुम्बा के नाम से। इसे हम कीड़ा जड़ी कहकर के जानते हैं। जो यारसा गुम्बा है, सबसे पहले एक कीड़ा होता है इस पहाड़ी बर्फीले एरिया में, उसका प्रजनन होता है, उसका जन्म होता है। बहुत सांस पड़ रहा है, चढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, फिर भी मैं आपको बताऊं कि जो यारसा गुम्बा है दोस्तों, वो एक तरह का कीड़ा होता है। और वो जो कीड़ा है, जब बाद में धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, समय निकलने के बाद मर जाता है इन्हीं ज़मीनों में। मरने के बाद वहाँ से एक तरह का कुछ इसी प्रकार के कुछ, मुझे लगता है इसी प्रकार का एक, ये तो नहीं है, ये कुछ और ही है, ये भी एक तरह का आयुर्वेदिक दवाई है। ये भी दोस्तों अच्छा है जिसको, जिसके लीवर में प्रॉब्लम है उनके लिए। हालांकि मुझे इसके नाम तो नहीं पता, हमारे यार दोस्त इसको भी, जिसके लीवर में प्रॉब्लम है वो लोगों को ये जो दवाई है इसको लेते हैं, इसके दवाई बना करके खाते हैं दोस्तों ये, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यारसा गुम्बा के बारे में। तो वो जो कीड़ा जब मर जाता है, मरने के बाद वहीं से एक पौधा का विकास होता है उसी एरिया से, उसी जगह से, और उसके बाद वहाँ से पनपता है यारसा गुम्बा नाम का यह जो जड़ी है। इसको उखाड़ के इसको लेके जाता है बाजार में। जो अब इस एरिया में जो लोग, यहाँ के जो लोग जो निकाल करके बेचते हैं, वो एक यारसा गुम्बा का 200 रुपया या 250 रुपया लेते हैं एक जड़ी का। लेकिन अगर आप दिल्ली या कुछ दूसरे शहर में अगर आप जाते हो तो वहाँ महंगा होता है, कम से कम 500 रुपया का एक जड़ होता है इसका। जिस आदमी के सेक्सुअल पावर में प्रॉब्लम है, जिसको सेक्सुअल पावर में प्रॉब्लम, विशेष करके जिनकी शरीर में इम्यून सिस्टम की कमी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है, बहुत ज़्यादा शरीर में वीकनेस है, ऐसे लोगों को यारसा गुम्बा प्रतिदिन खानी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो आपने जो सुने होंगे, बड़े बड़े जो एथलेटिक्स जो होते हैं, जो रनिंग करने वाले होते हैं, या कुछ जो फुटबॉल खेलने वाले जो होते हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर्स जो होते हैं, उनको बाज़ार में मिलने वाली जो तमाम तरह तरह की जो दवाइयां हैं आजकल एलोपैथिक के नाम पे जो दवाइयां बिकता है, उस दवाई में खूब ज़्यादा ऐसे नशे के गोली होते, तो उसको मना किया गया है, वो लोग उसको नहीं खा सकते, उससे शरीर में नुकसान होता है, तो क्या खाया जाए, बड़ी दुविधा हो गया उनके सामने। तो अब ये लोग भी यारसा गुम्बा को खाते हैं, यारसा गुम्बा की जो जड़ है, जड़ खाते, और उन्होंने कहा कि यारसा गुम्बा के जो जड़ है उस खाने के बाद जब रनिंग करते हम तो सांस नहीं चढ़ता यारसा गुम्बा खाने के बाद। तो ऐसे ही कुछ काफ़ी अच्छे गुणों से भरपूर है यारसा गुम्बा। और अगर आपको चाहिए यारसा गुम्बा तो अभी हम लोग यहाँ पर कलेक्शन कर रहे हैं। अभी तो मेरे पास वीडियो बनाने के लिए नीचे से अभी हम लोग आ रहे थे, ये बहुत सारे लोग
कुछ तो यहाँ पर यारसा गुमक ढूंढने के लिए आए, कुछ ऐसे ही घूमने के लिए भी आए हुए हैं। यहाँ से काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा तब जा कर के वहाँ पर यारसा गुम्बा मिलता है। और दोस्तों इसको ढूंढना भी बहुत दिनों लग जाता है, कई दिन लगते हैं। हम लोग तो खैर बस यूं ही देखने के लिए आए कि यारसा गुम्बा एक्चुअली कहाँ मिलता है। यहाँ तो सारे इस एरिया में तो सब पहले से निकल चुके हैं लोगों ने, लेकिन फिर भी हम जब यहाँ से पंजाब में जाएंगे तो यारसा गुम्बा काफ़ी ज़्यादा लेके जाएंगे। और अगर आप चाहते हो यारसा गुम्बा तो ज़रूर हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों आज बहुत ज़्यादा मौसम यहाँ पर ठंडा है, हवा भी बहुत बर्फीली चल रही है। आज मुझे दीजिए विदा, जय श्री राम। काफ़ी देर तक इन बर्फीली वादियों में हम यारसा गुम्बा ढूंढने के नाम पर भटकते रहे। बर्फीली हवाएं, बहुत ठंडी, इतनी ज़्यादा ठंड हमारे शरीर को सुखाते जा रहा था और हमारे ओठ पूरा सूखते जा रहा था, फटते जा रहा था। शरीर बिल्कुल ठंड के मारे कांपने लग गया था। कुछ समय के बाद आसमान से बरसात होने की संभावना यहाँ के लोगों ने बताया। सारे पुलिस वाले आए और हमारे जितने भी लोग थे और इवन कि यहाँ के यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए जो दूसरे लोग थे उनको भी उन्होंने कहा कि आप लोग कृपया यहाँ से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो थोड़ी देर में अगर बरसात होगी तो यहाँ के जो रास्ता है वो भी पूरा बर्फ़ से ढक जाएगा और आप निकल नहीं पाओगे यहाँ से। दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ते देख करके हमें लगा कि यार यारसा गुम्बा जो इस बर्फीली एरिया में जहाँ मिलती है, इतने दूर से हम लोग बड़े मेहनत से आए थे, लगता नहीं हमारे नसीब में इनके दर्शन हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों यारसा गुम्बा ढूंढने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते, कुछ लोगों का तो रोजी रोटी का यही एक सहारा है। उन्होंने ये सारे क्योंकि वो यहीं के लोग हैं और इस तरह के मौसम में उन्हें जीना आता है, उनकी आदत सी बनी हुई है। लेकिन हम लोग तो बाहर से पंजाब से आए हुए थे, यहाँ के जो माहौल है, जो मौसम है, इसको हम झेल नहीं पाते, आप लोग जानते हो। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि चलो हम नीचे बाज़ार में जाएंगे और यहाँ के लोगों ने जो कलेक्शन करके यारसा गुम्बा बेचने के लिए अगर रखा हुआ है तो उसको जा कर के खरीदेंगे। तो ऐसे ही कुछ लोगों से हमारा संपर्क हुआ और बाज़ार से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यारसा गुम्बा, जितना हमारा पॉकेट में बजट था उस हिसाब से हम लोगों ने खरीद के लेके आए। हालांकि यारसा गुम्बा हमारे लिए काम इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा खुद का सवाल है, मैं एपिलेप्सी यानी ब्रेन से रिलेटेड जो समस्या है उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं और मेडिसिन बनाते हैं। यारसा गुम्बा एक तो हमारे सांस प्रश्वास प्रक्रिया में और दूसरा हार्ट में और हमारे सेक्सुअल जो हमारी जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ति करने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए, पावर बढ़े, सेक्सुअल कैपेसिटी बढ़े और शरीर में इम्यून सिस्टम बढ़े आदि तमाम चीज़ों में यारसा गुम्बा ली जाती है। और ये बहुत महंगा एक वनौषधि है, वनस्पति है, तो इसीलिए इसके इस्तेमाल हम थोड़े कम ही करते हैं। ये विगत कुछ ही सालों से इस वनस्पति का खोज हुआ है तो हमें लगा कि चलो आयुर्वेदिक जिज्ञासा तो हमारे अंदर है, अगर मिल जाता है तो ठीक है। वैसे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे आयुर्वेदिक वैद्यों से मुलाकात भी होगी, जंगलों में जाएंगे, दूसरी जड़ी बूटियाँ भी कलेक्शन करेंगे। एक सफ़ेद लक्ष्मण कह करके एक वनस्पति है, वो वनस्पति भी इन्हीं वादियों में मिलती है। तो लगे हाथों सभी तरह की जड़ी बूटी कलेक्शन करने के प्रोसेस में हमें भी जब यहाँ पता चला कि इधर यारसा गुम्बा भी मिलता है तो लगे हाथों चलो यारसा गुम्बा भी ले लेते हैं। पहले तो हमने ढूंढने का खूब प्रयास किया लेकिन हमें मिला नहीं, क्योंकि यारसा गुम्बा ढूंढना बहुत मुश्किल काम रहा यहाँ के पता चला। तो हम लोगों ने फिर कुछ यारसा गुम्बा खरीद करके लेके आए, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा, बाज़ार में जो यारसा गुम्बा है तिब्बत के साइड से भी आता है, उत्तराखंड के साइड से भी आता है, नेपाल के साइड से भी आता है, कई सारे एरिया से यारसा गुम्बा
मिलता है, है ना। लेकिन जो नेपाली यारसा गुम्बा है बहुत उत्तम क्वालिटी का होता है, और इधर आपके तिब्बत के साइड में भी बहुत सारे यारसा गुम्बा मिलते हैं। दिखने में तो एक ही है, लेकिन नेपाली साइड का जो यारसा गुम्बा है वो क्वालिटी में सभी से उत्तम माना जाता है। इसीलिए नेपाल का जो बाज़ार है यारसा गुम्बा के लिए माना हुआ है। जब कभी हम नेपाल में जाएंगे तो उस यारसा गुम्बा को भी देखने का पहले तो प्रयास करेंगे। जंगल में जाएंगे, बर्फीले एरिया में जाकर के थोड़े पंगे लेंगे, मिला तब तो ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं आपको प्रदान करूं ऐसे यारसा गुम्बा इतने ज़्यादा ढूंढ करके ले सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं नेपाल के जहां पर यारसा गुम्बा बेची जाती है, खरीदी जाती है, वहां से आपके लिए मैं यारसा गुम्बा का व्यवस्था मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। लेकिन इस वक्त हम लोगों ने बहुत कम यारसा गुम्बा को लेके आए हैं। अब इनमें से अगर आप मेरे वीडियो को देखते रहते हैं, मेरे अगर आप सब्सक्राइबर हो, यदि आपको यारसा गुम्बा चाहिए तो मैंने कुछ अच्छा क्वालिटी का यारसा गुम्बा अभी लेकर के आया हूँ। जब आप फ़ोन करोगे तब तक अगर मेरे पास बचा तो मैं आपको ज़रूर यारसा गुम्बा ये दूँगा। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।